दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के बड़े दौरे पर पहुंची भारतीय टीम का सफर आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां इस दौरे की शुरुआत से पहले ही टेस्ट कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है, तो वहीं उप कप्तान के रूप में टेस्ट टीम में शामिल हुए रोहित शर्मा भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर है, जिसकी वजह से भारतीय टीम की दिक्कतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन मुश्किलों को आसान करने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद भारतीय टीम के दो धुरंधर खिलाड़ी इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं मानो वो टीम को जीत दिलाकर ही मानेंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कौन है वो खिलाड़ी, लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत और रिद्धिमान साह में से कौन सबसे बेहतरीन विकेट कीपर है, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पूरे विश्व में भारतीय टेस्ट टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका ही ऐसी अंतिम जगह बची है जहां उन्हें अब तक किसी श्रृंखला में जीत नहीं मिली है, और कमी को पूरा करने के लिए 10 टीम कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर पहुंच चुकी है, जहां वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेलती हुई नजर आएगी। हालांकि इस सीरीज की शुरुआत 26 दिसंबर से शुरू होनी है, लेकिन इस सीरीज में शानदार जीत हासिल करने के लिए भारतीय टीम 10 दिन पहले पहुंचकर ही अपनी प्रैक्टिस में लग गई है, और भारतीय टीम के प्रैक्टिस को देखकर विराट कोहली को अपनी टीम पर पूरा भरोसा होता नजर आ रहा है कि उनकी टीम अपने आत्मविश्वास और एकता के दम पर साउथ अफ्रीका में होने वाली टेस्ट सीरीज आसानी से जीत लेगी। वहीं उनके इस भरोसे को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के दो शानदार खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया है कि इसे देखकर कोच राहुल द्रविड़ समेत पूरी भारतीय टीम के होश उड़ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका दौरे पर होने वाले टेस्ट मुकाबलों के लिए भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका पहुंचकर प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और इन प्रैक्टिस सेशन में भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी खतरनाक रूप से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे शानदार तरीके से जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं वो है भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने प्रैक्टिस सेशन में ही कोच राहुल द्रविड़ के सामने बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए ऐसे ऐसे शॉट्स की प्रैक्टिस की है कि उसे देखकर को राहुल द्रविड़ काफी खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में अपना डेब्यू मैच खेलने वाले श्रेयस अय्यर ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत शानदार शतक लगाकर की थी और खुद को भारतीय टेस्ट टीम का एक अहम हिस्सा साबित कर दिया था। वहीं ऋषभ पंत ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में खेले गए टेस्ट मैच में भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाकर यह साबित कर दिया है कि उनसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज भारतीय टीम में कोई नहीं हो सकता, और अब इन दोनों खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका में पहुंचकर प्रैक्टिस करते हुए अपने बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे पहले ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी को मजबूत बनाने के लिए नेट में उतरकर बल्लेबाजी करने की शुरुआत की और उन्होंने 26 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 73 रन की पारी खेली। वहीं इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी नेट में उतरकर अपनी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 20 गेंदों का सामना करते हुए 65 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी बल्लेबाजी को देखकर कप्तान विराट कोहली और भी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि अगर ये दोनों ही खिलाड़ी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखते हैं तो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगी। दोस्तों साउथ अफ्रीका पहुंचते ही जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं उसे देखकर ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज के लिए काफी ज्यादा गंभीर है और हर हाल में जीतना भी चाहती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली भारतीय टीम को अपनी टेस्ट कप्तानी में साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जिताने में कामयाब होंगे या नहीं, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।